विशाल पांडे चौथे राउंड में जा चुके हैं एक्टिविटी एरिया में। एक्टिविटी एरिया में जाके उन्होंने क्या विश मांगी है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। पर यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा भाईचारा मुझे देखने के लिए मिला, जहाँ पर इन लोगों ने एक दूसरे से कोई भी डिस्कशन नहीं की और करनी भी नहीं थी। अगर करते तो भाई फिर कुछ ना कुछ पंगा हो जाता, और वैसे भी अपनी बढ़ाई अगर कोई करता है तो वो अच्छा वाला दोस्त नहीं होता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लव कटारिया जो है तीसरे राउंड में एक्टिविटी एरिया में गए थे, और वहाँ पर जो है अपने दोस्त को किचन में काम ना करें, वो किचन की उनकी जगह पर चंद्रिका दीक्षित को रख दिया जाए, ऐसी विश जो है लव कटारिया ने मांगी थी। अपने लिए नहीं, अपने दोस्त को बचाने के लिए, कि उसको तंगी बहुत होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती है, इसीलिए मेरा दोस्त जो है वो खाना बनाई ना। या कहीं ना कहीं लव कटारिया जो है विशाल को मिस करते हैं जब विशाल वहाँ पर बिजी रहता है, क्योंकि इनका भाईचारा बहुत ही अच्छा है, एक दूसरे के साथ अच्छी वाइब जो है वो मैच कर रहे हैं। अब जो है चौथे राउंड में जो है जा चुके हैं विशाल गए, और जाने के बाद जो है ये काफ़ी सारा सामान लेके आए। हालांकि किसी ने भी सामान लेने नहीं दिया, पर कैसे तैसे करके जो है उन्होंने सामान को कलेक्ट किया, सना मकबूल का और सना सुल्तान का। और उसी दौरान ही सना सुल्तान के दो सामान हैं, सना मकबूल का भी है, सना मकबूल का एक है, सना सुल्तान का भी एक है, और पोलमी दास की एक चप्पल जो है वो ले आए, एक हील जो है ले आए, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपने लिए नहीं लव कटारिया के लिए विश मांगी कि वो इस हफ्ते की नॉमिनेशन से सेव हो जाए, यानी कि इस हफ्ते वो सेव हो जाए। अगर देखा जाए तो लव कटारिया जो है इस हफ्ते नॉमिनेट हो चुके हैं, पायल भी नॉमिनेट है और अरमान मलिक भी नॉमिनेट है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 7 लोग जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है। तो पहले जो है अपने दोस्त के लिए विश मांगी और फिर अपने लिए विश मांगी कि मैं आने वाले हफ्ते में नॉमिनेशन से सेव हो जाऊं, और फिर तीसरी विश भी यही मांगी कि उसके आने वाले हफ्ते में मैं फिर से नॉमिनेशन से सेव हो जाऊं। क्या अब विशाल ने ये विशेज जो मांगी है, क्या वो सही विशेज मांगी है? कहीं ना कहीं जो है हेटर्स उंगली उठा सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, जीतने का क्या जज्बा है, इसको तो खुद ही डर लगा रहता है, इसको तो अपनी जनता के पर विश्वास भी नहीं है। घर के अंदर रह के किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि 9 मिलियन फॉलोवर्स होने के बावजूद भी आखिरकार किसी को जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा डरे हुए पहले भी थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। विशाल बाहर बैठे हुए ये भी बात बोल रहे थे कि जो चीजें पता नहीं ऐसा हो कि मैं गलत दिख रहा हूं और साई जो है सही दिख रहा हो, उसके ऊपर भी जो है लव कटारिया ने बोला था कि ऐसा नहीं होता है, जो चीज होती है, जो चीज सही होती है, वो ही सब चीजें दिखती है, तो ज्यादा चीजें के बारे में सोच मत, समझ मत। तो ये चीजें जो है अब विशाल ने की है, क्या आप लोगों को एक्सेप्टेबल है ये विश? क्या ये विश जो है बिग बॉस पूरी करेंगे, और बिग बॉस को क्या ये विश पूरी करनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।